अकेले नहीं है, ये आंदोलन जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन के लिए हर एक स्त्री पुरुष बच्चा महिला सभी को एकजुट होकर इस मुहिम का हिस्सा बनना है, क्योंकि जिस तरह से जीवन के लिए सांस लेना अनिवार्य है उसी तरीके से एक सभ्य और सुंदर जीवन के लिए शिक्षा अनिवार्य है। और आज स्थिति ये आ गई है कि हमें सुंदर जीवन जीने से वंचित करने के लिए शासक वर्ग ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्लानिंग के तहत ऐसी योजनाएं और ऐसी नीतियां धीरे धीरे हमारे चारों तरफ लपेट दी हैं, खड़ी कर दी हैं दीवारें, कि हम केवल वो आदेशों का पालन करते रहे, आंख बंद करके केवल एक जानवर की तरह पेट भरने तक अपने चिंतन को सीमित कर लें। सभ्यता को जिस ऊंचाई पर शिक्षा ने पहुंचाया है, ज्ञान ने पहुंचाया है, उस ज्ञान से हमारी आने वाली पीढ़ियों को वंचित करने का एक बहुत ही साजिश भरा प्रयास इस नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत वर्ल्ड बैंक के जरिए और अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत इन तीसरे विश्व के देशों में थोप दिया गया है। कारण यह विश्व विदित है कि आज जिस व्यवस्था से पूरा विश्व चरमरा रहा है, डगमगा रहा है, वो व्यवस्था कितने लंबे समय तक जारी रखी जा सके, जिससे कि अनभिज्ञ और अनजान और अज्ञानी जनता ये समझती रहे कि ये उनका भाग्य है और ये सदियों से होता आया और ये शोषण केवल हमें झेलना है, इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठानी है। लेकिन प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन अवश्यंभावी है और उस परिवर्तन का आगाज पूरे देश में हमारी ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी ने बहुत लंबे समय से किया हुआ है। लेकिन ये समझने, जानने और पहचानने का अभी शायद और जरूरत है हमारे सामान्य जन को, हमारे आचार्यों को, टीचर्स को, हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को और हमारे अभिभावकों को और हर एक पढ़े लिखे नागरिक को, जिसने इस समाज की संपदा से, समाज के पीढ़ियों से अर्जित ज्ञान के माध्यम से अपने आप को शिक्षित किया है। और आज वो बड़ी शान से कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। इस बात के लिए टाइम नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचने का टाइम नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि जो तुमने लिया है, जो तुम्हें मिला है, वो किसी की कुर्बानी का परिणाम है, किसी के जीवन का बलिदान का परिणाम है। आज तुम इसको लेकर इतरा रहे हो, क्या गर्व महसूस कर रहे हो कि हमारे पास सब कुछ है और हम क्यों चिंता करें? तो ये एक जानवर के जैसा है जो रोटी खाकर पैर फैलाकर सो जाता है और कहता है कि सबको मिल गया, मुझे मिला, सबको मिला। तो ये प्यारे साथियों, ये एक बहुत बड़ा हमारा कर्तव्य बनता है। और इतने लंबे चौड़े आंदोलन और प्रयास के बावजूद अगर हम यहाँ पर इतने लोगों को ला पाए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, बहुत बड़ा एक अच्छा चिन्ह है कि हमें पता चल रहा है कि लोग देश के हर कोने में जागरूक हैं और इस बात के लिए इच्छुक हैं कि हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को जवाब देना है, उन कुर्बानियों का हिसाब देना है जो हमारे जीवन को सुंदर और सुखी बनाने के लिए हमारी पिछली पीढ़ी ने दी है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे बलिदान की, हमारे समय की, हमारे पैसे की और हमारे विचारों की बहुत जरूरत है। तो साथियों, एक जो नो डिटेंशन पॉलिसी का एक जो जहर स्कूली शिक्षा से जुड़े होने के कारण 40 साल से लगभग मैं देख रही थी किस तरह से एक एक कदम, एक एक जो कदम ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, किस तरह से डिटेरियरेट हुआ है, किस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग